माफ कीजिए, नीरज जी हमारे साथ हैं। नमस्कार नीरज जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी नमस्ते मैडम, मैं नीरज बोल रहा हूँ बर्तना इटावा से। मैडम मेरे पास मैडम RBNL के 14,000 क्वांटिटी 173 पे रेट पे है मैम, इनको क्या करना है मैम, लॉन्ग टर्म होल्ड करना है या फिर शॉर्ट टर्म में मैडम क्या करना है इनका। 14,000 क्वांटिटी रखी है आपने? हाँ जी मैडम। अच्छा, RBNL काफी भारी भरकम क्वांटिटी है इनके पास, 173 के भाव पर। बताइए संदीप जी क्या किया जा सकता है। देखिए स्टॉक में कोई इश्यू नहीं है, बट हर स्टॉक का कोई भाव होता है जहां पे एंट्री ले, और आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखना जरूर सीखें, क्योंकि आप ये देखिए कोई स्टॉक जब 40 रुपए से चला हुआ है और वो 199 तक गया है और वहां से थोड़ा करेक्ट हुआ तो इनको अट्रैक्ट किया ये स्टॉक, 154 है, बोला ठीक है 200 अभी जाके आया और अभी 154 है। हालांकि कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि RVNL रेलवे विकास निगम लिमिटेड और रेलवे स्टॉक्स बहुत बड़े कर रहे हैं, सरकार का फोकस भी और रेलवे चलेंगी भी ऐसा नहीं है, बट अब क्या इनकी एंट्री गलत लेवल पे हो गई है और हर स्टॉक कोई एक भाव पे अच्छा होता है, ये स्टॉक वैसे बहुत अच्छा है तो ये होल्ड करें। अब मैं यही बोलूंगा कि इनको थोड़ा समय देना पड़ेगा, बाकी कहीं कोई इश्यू नहीं है, एंड दैट्स कि आगे थोड़ा ध्यान रखें, कभी भी स्टॉक में एंट्री ले तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज को देखें, भले वो कितना ही फंडामेंटली अच्छा हो मगर आपकी एंट्री और एग्जिट वो बहुत मैटर करती है रिटर्न्स को और एनहांस करने में। बाकी समय देंगे, यहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं है, पैसा बनेगा आने वाले कम से कम साल से डेढ़ साल के नजरिए से। बिल्कुल, तो साल डेढ़ साल के नजरिए के लिए RVNL में होल्ड करने की आपके लिए सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। एक ब्रेक।